हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू 340 ब्लॉग। सो फिलहाल आज हम राइड पे नहीं निकले, आज हम फिलहाल थोड़ा सा ही घर से आए हैं क्योंकि आधा घंटे अपना काम धंधे में निकल गया। तो फिलहाल अभी घर से निकले हैं, थोड़ा सा आसपास राउंड मारेंगे, देखेंगे आज क्या रहता है। सो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से सूट पे, तो देखते हैं क्या बनता है, क्या रहता है। सो फिलहाल आगे चलते हैं, रोड तो आप क्या ही देखोगे, रोज का डेली का रोड है। तो फिलहाल वहीं चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या होने वाला है आज, क्या रहने वाला है। सो नाउ फिलहाल हम इस वाले रोड पे जा रहे हैं एंड राइड मैं नहीं कर रहा, संदीप भाई राइड कर रहे हैं अभी। सो फिलहाल और भाई पहाड़ों पे बर्फ हर कुछ, बट जाया नहीं जा पा रहे हैं इस वाली तरफ भी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो फिलहाल अभी देखते हैं, एक दो हफ्ता ऐसे ही रहेगा। सो फिलहाल शायद हो सकता है एक आध दिन में चंडीगढ़ निकले हम। सो वो भी क्या रहता है कोई आइडिया नहीं है। सो फिलहाल पहले चलते हैं, देखते हैं क्या है। इधर जा रहे हैं हम, तो वो वहाँ नीचे पानी के पास छोटा सा सूट है अपना, क्या सूट है, क्या बोलते हैं, क्या सूट है कोई समझ नहीं आ रहा। वो भाई सामने से ग्राउंड नहीं है सर, प्लॉट है। ओ भाई पनिहार, यहाँ चलेंगे एंड जो सूट है अपना वो करके इसके बाद सीधे वापस भी हो जाएंगे। बट फिर आप देखते हैं इधर क्या सीन है। ओ भाई बाइक चली जाएगी नीचे, आन देता हूँ देख ही लो। ओ भाई ये पहुंच चुकी है अपनी बाइक पानी के पास, क्या वाह लोकेशन। अच्छा। तो भाई सो भाई लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, लोकेशन तो हर कुछ है देख सकते हो आप लोकेशन। एंड अंकुश साथ में है आज, संदीप भाई और सामने भाई छोटा सा पुल। सो यहाँ से वाटर क्रॉसिंग का बाइक तो ना क्रॉस हो पाएगी भाई, बट देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं हम। हर कुछ जगह तो सूट यहाँ पे अपना कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद निकलेंगे घर। सो भाई जा रहे हैं हम सामने वाली साइड, इस वाली तरफ है अपना फर्स्ट सूट। सो पहले यहाँ चलेंगे, रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कोई बात नहीं, एक्सपर्ट हैं हम इन रास्तों के। सो ये रास्ता है इस पुलिया पे, इस वाली तरफ से शूट करेंगे अभी हम, हमारा फर्स्ट शूट यहाँ है। एंड भाई नदी अपनी साल नदी एंड भाई का वीडियो शूट है, सो देखते क्या रहता है अभी। तो भाई पसीने पसीने हालत ख़राब, गर्मी खतरनाक आज एंड शक्ल थोड़ी सी टैन हो गई है धूप में बड़क बड़क के। और अभी हम यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट जगह पे पहुँच चुके हैं भाई, वो मतलब दोबारा से चढ़ना पड़ेगा ऊपर वापस। तो सूट सूट के चक्कर में बहुत पानी के 20 तक पहुँच चुके हैं हम ना, वो हम लोग वो ऊपर चढ़ना है वो वाला पत्थर, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है अपने लिए। एंड भाई यहाँ से लोकेशन है आसपास की हर कुछ, पहले मैं इस पत्थर पर चढ़ के आपको दिखाता हूँ लोकेशन पे है हम एंड आसपास आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं। सो भाई यहाँ से आसपास नदी के बीचों बीच है हम, इस तरफ नदी मतलब अपने 360 नदी है। एंड भाई उस तरफ कुछ इस तरह की लोकेशन है एंड ये आप देख सकते हो प्रॉपरली 360। एंड आज हम कहीं दूर गए भी नहीं है, अपने गाँव के पास नहीं है। एंड भाई उफान मार रही है बीच में नदी, बरसात का टाइम है, बीच बीच में पानी भी बढ़ता है बट अभी उतनी बरसात स्टार्ट नहीं हुई है। एंड भाई ये दो भाई अपने एंड इस वाली तरफ भी लोकेशन आप देख सकते हो और हरियाली इस वाली तरफ। सो थोड़ी देर वहाँ ऊपर चलेंगे एंड वो सामने है बाइक आज हम लोग FZ लेकर आए हैं, तो थोड़ी देर ऑफ रोडिंग प्रैक्टिस करेंगे इस पर इधर ही कीचड़ में। तो फिलहाल पहले शूट ख़त्म करते हैं एंड फिर उसके बाद ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस का बाद में देखेंगे। सो भाई वो वहाँ का सूट ख़त्म करके हम अभी नेक्स्ट लोकेशन वाली तरफ जा रहे हैं और भाई देख सकते हो यहाँ की ग्रीनरी हर कुछ। और चल रहे हैं हम इतने घास के बीचों बीच और ये आप देख सकते हो। एंड अभी अगली लोकेशन हम लोग सर्च कर रहे हैं इधर कि कौन सी तरफ नेक्स्ट अपना सूट है, सो वो लोकेशन देख रहे हैं अभी। सो नाउ अभी हम
निकल रहे हैं आगे की तरफ। सो सामने है यहाँ से इसके बाद घना जंगल। सो ये वाला जंगल अच्छी लोकेशन लग रही है। सो एक सूट वहाँ पे है, ऑलमोस्ट सूट डन हो चुका है, बस एक आध लोकेशन बच रही है। सो वो सूट अभी यही यहाँ होने वाला है। और ये आप देख सकते हो बैक साइड जंगल, तो यहाँ पे वो एक सूट बच रहा है, वो करेंगे एंड इसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। तो भाई जंगल हर कुछ लोकेशन लग रही है ये। तो ये जंगलों में इधर एक सूट इधर करने वाले हैं हम, बट समझ नहीं आ पा रहा है कौन सी जगह। सो इस वाली तरफ भाई क्या बोलते हो, इस वाली तरफ एक सूट होने वाला है अभी। सो ये सूट यहाँ से कंप्लीट करने के बाद निकलेंगे बैक उस वाली तरफ ही, बाइक वाली तरफ, फिर उसके बाद हम अपनी रील शूट करेंगे। सो भाई इस वाली तरफ तो पत्थर ही पत्थर है, बिच्छू बूटी है, मुश्किल सा है। सो वो उस वाली तरफ एक लोकेशन देखते हैं थोड़ी। सो इस वाली तरफ देखेंगे एक लोकेशन एंड नाउ इस वाली तरफ एक शूट। सो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम अभी नदियां, नाले, जंगल, क्योंकि आज क्या था कि लेट बहुत थे हम, एक्चुअली काम था घर पे, तो काम की वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो अपना इधर ही, और एक सूट भी था भाई का, तो उनके सूट पे ही साथ साथ में क्या बोलते हैं मैं भी आ गया कि चलो सूट पे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है आज। तो फिलहाल यही है जो कुछ है जंगल, और साथ में अपने इस तरफ बह रही है साल नदी। और भाई फेस बिल्कुल काला लग रहा है, स्किन टोन टोटली चेंज हो गई है धूप की वजह से, टोटली टैन। तो देखते हैं अभी, सूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या टोटली कंप्लीट हो चुका है, बस एक दो सिनेमैटिक्स बच रहे हैं, तो वो एक दो सिनेमैटिक्स करेंगे एंड देन देखते हैं उसके बाद का क्या है। बट फिलहाल यहाँ हम भाई, ठंडक है यहाँ पे हर कुछ वाली, बट लास्ट बैक वाली साइड जो धूप थी भाई, क्या ही धूप खाई वो हम लोगों ने। तो वो धूप के बाद ये ठंडक का हर कुछ मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी नदी की हवा, और सामने वाली तरफ वो सामने से एक और ऊपर वाली तरफ छोटी सी छोटा सा नाला आ रहा है। तो देखते हैं अभी, वैसे भी काम कुछ करने को है नहीं, ड्रीम इलेवन पे पैसा हार हार के बचा नहीं है कुछ, तो यही करते हैं, ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, चंडीगढ़ निकलना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है एंड थोड़ा बहुत काम भी है, तो वो सब निपटाएंगे। तो चंडीगढ़ का देखते हैं कल तक, कल शायद कल निकलूं, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद कल चंडीगढ़ निकलना पड़े, तो कल का कल देखेंगे, अभी जो है वो इन्जॉय करते हैं। कंप्लीट लोकेशन नहीं दिखेगी, बट भाई यहाँ से इस वाली तरफ से वहाँ पे कभी वो बड़े वाले पत्थर के पास हम नहाया करते थे भाई, बहुत तगड़ा फील आता था, क्या ही फ्लो होता था पानी का, और वो भी टाइम थे। और इस वाली तरफ ये आप देख सकते हो लोकेशन, और वो पहाड़ पे खतरनाक पहाड़, क्लाइम करना मुश्किल है इसको, और वो वहाँ सामने बाटेडी नाला, खतरनाक नाला है ये भी। और यहाँ से वो वाली तरफ पकड़ रहे हैं लोग मछलियाँ एंड टीम पी रही है लिमका और खा रही है टकाटक। सो भाई सूट के चक्कर में हम चढ़े हुए थे इधर एंड टीममेट्स वापस जा रहे हैं, और भाई मैं हूँ अभी ये इतनी खतरनाक लोकेशन पे, और भाई साहब नीचे चल रही है नदी, और नदी के ऊपर हूँ मैं, तो नाव वापस चल रहे हैं यहाँ से, करना पड़ेगा वहाँ से, काफ़ी हाइट है वहाँ पे भी, तो भाई थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी रिस्की है, तो नीचे देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि पुल के नीचे वो नहीं है कोई भी, ये सिर्फ इस पाइप के लिए पुल बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है, खतरनाक भाई लोगों ने आज बहुत ही ऐसे ऐसे खतरनाक कांड करे हैं। नाव पहुँच गए हैं हम थोड़ी सी सेफ जगह पे एंड इसके बाद उतरना है भाई, काफ़ी ये वाली हाइट पूरी नीचे उतरना है,
डिफिकल्ट है बट उतरेंगे। और बाइक भाई हमारी लगी हुई है, वो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, काफ़ी दूर। तो इस पुल पे अभी हम वो वहाँ तक गए थे, नीचे नीचे नदी चल रही है और पुल आप देख सकते हो, इतना कोई मतलब दूसरा पुल नहीं है, टेम्परेरी पुल है ये, देख सकते हो आप पूरा हिल रहा है। तो ये सिर्फ एक पाइप के लिए बना हुआ है। और भाई लोकेशन यहाँ से, और बाइक हमारी उस वाली तरफ काफ़ी दूर लगी हुई है, तो बाइक वाली तरफ अभी हम जाएंगे। एंड ये लोग उतर चुके हैं, मैं अभी भी इधर हूँ ऊपर, वो उस वाली तरफ से आ रही है नदी। एंड वो भाई मछुआरा दिखाता हूँ आपको, तो वो बंदा नेट लेके मछली पकड़ रहा है उधर। तो भाई एक दो ट्राउट फिश हमारे लिए भी ले आई हो, तो चलते हैं उतरते हैं यहाँ से नीचे। सो भाई वापस पहुँच चुका हूँ घर, और हालत अपनी भी ख़राब और रूम की भी हालत ख़राब है। रूम की हालत आपको दिखा नहीं सकता, इस हालत में रूम है अभी। सो फिलहाल नाउ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।